प्यारे भक्तों, वडोदरा ध्यान मंदिर से माँ हरीश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं को तहे दिल से मेरे नमस्कार। इलम की श्रृंखला में आगे बढ़ती हुई एक शेर और। दिलदारी तरफदारी अदाकारी से आएगा। कितना भी कोई दिलदार हो, उदार हो, लेकिन उदारता से ज्ञान नहीं आ जाता है। तरफदारी, कोई किसी के पक्ष में चला जाए, कोई ज्ञानी के पक्ष में चला जाए, ज्ञानी का प्रचार प्रसार करने लगे, तरफदारी करने लगे, इससे भी ज्ञान नहीं आएगा। हाँ, अच्छा है ज्ञान की तरफदारी करना, लेकिन ज्ञान के बिना ज्ञान की तरफदारी करना खतरनाक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद होश हवास के साथ जब आप खड़े रह जाओ कि हाँ भाई, अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक, शिवोहम, सोहम, तो ये बात अलग है। लेकिन ज्ञान की कोई समझ ही नहीं है और आप ज्ञानी के पक्ष में खड़े रह जाओ जिंदाबाद करने को, तो ये आप भीड़ का हिस्सा हो गए। समझने जैसी बात है। दिलदारी तरफदारी अदाकारी से आएगा। जैसे बुद्ध का भेष है, तो ऐसा भेष बना लेने से कोई आप बुद्ध नहीं बन जाओगे। महावीर की तरह वस्त्र फेंक देने से, महावीर ने फेंके तो थे नहीं, सहज गिर गए थे, और सहज गिर गए फिर कभी चढ़ाए ही नहीं वस्त्र, क्योंकि सहजता थी, वो स्वाभाविक था बिल्कुल। इरादे से उतारे नहीं, इरादे से चढ़ाए नहीं है। वो नग्नता भी विशुद्ध थी, उसकी दिगंबरावस्था भी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई वस्त्र उतार के फेंक दे तो महावीर नहीं बन जाता है। ऐसी अदा करने लगे कोई, कॉपी करने लगे कोई, तो ज्ञान नहीं आ जाता है। कोई मीरा की भांति भेष बना ले तो कोई मीरा बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कहती हूँ, दिलदारी तरफदारी अदाकारी से आएगा। दिलदारी तरफदारी, हाँ, दिल दे बैठते कुछ लोग ज्ञानियों को, आजीवन सेवा करते ज्ञानियों की, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें ज्ञान नहीं आता। हाँ, ज्ञानी की सेवा में जो अपना जीवन लगा दे वो बहुत बड़भागी है। मैं कहती हूँ बड़भाग है। अधम की सेवा करनी पड़े, दुष्ट की सेवा करनी पड़े, इससे ज्ञानी की सेवा में कोई जीवन लगा दे तो है बड़भागी वो, लेकिन इससे ज्ञान आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिलदारी तरफदारी अदाकारी से आएगा, ऐसे नहीं आएगा तो कैसे आएगा। इलम का राज तो खुद की समझदारी से पाएगा, इलम का राज तो खुद की समझदारी से पाएगा। एक प्रसंग याद आ रहा है, याज्ञवल्क जिसने शुक्ल यजुर्वेद की रचना की, उसकी दो पत्नी थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। बरसों तक साथ रहे, दोनों पत्नी सहयोगी होती रही आश्रम में, और याज्ञवल्क ज्ञान कर्म करते रहे, लोक संग्रह का कार्य करते रहे। लोक संग्रह का कार्य मतलब लोक कल्याण का कार्य, लोक कल्याण का कार्य करते रहे। शब्द ब्रह्म के द्वारा शास्त्र लिखते लिखते एक बार याज्ञवल्क्य ने दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा कि बस अब मेरा समय आ रहा है और मेरी बहुत सारी संपत्ति है। बहुत संपत्ति थी याज्ञवल्क्य के पास, ज्ञानी थे,
यहां से फकीर था फिर भी संपत्ति बहुत थी, क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि कोई सभा में जाए तो पहले ही घोषणा कर देते थे कि विजय हमारी है। स्पर्धा बाद में शुरू होती थी, घोषणा पहले कर देते थे कि विजय हमारी है। शिष्यों को लेकर जाते थे और कहते थे कि उपहार क्या मिलने वाला है। शिष्यों को कहते थे उपहार लेकर आश्रम पे जाओ, मैं शास्त्रार्थ करता हूं। ऐसा बंदा। दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा कि जितनी भी मेरी संपत्ति है मैं समान भाग से दोनों को बांट देना चाहता हूं ताकि आपका जीवन निर्वाह आसानी से हो पाए। किसको क्या क्या पसंद है आप बोलो। तब मैत्रेयी जो दूसरी पत्नी थी उसने याज्ञवल्क्य को एक ही प्रश्न किया कि महाराज आप संपत्ति तो दे रहे हैं लेकिन क्या उस संपत्ति से मुझे मोक्ष साम्राज्य प्राप्त होगा, उस संपत्ति से मुझे मुक्ति हो मिलेगी, उस संपत्ति से मेरी ज्ञानावस्था बनी रहेगी। याज्ञवल्क्य बोले ना। मैत्रेय ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो ज्ञान से दूर ले जाए ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, परंतु ज्ञान में प्रवेश दिलाए ऐसे महापुरुष मतलब आपकी संगति चाहिए। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आपकी सेवा में मैं तत्पर रहूंगी, कृपया मुझे रख लीजिए अंतिम क्षण तक आपकी सेवा में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इलम का राज तो खुद की समझदारी से आता है। स्वयं की समझदारी जब हो ऐसी तब इलम के रहस्य को पाया जा सकता है। दिलदारी तरफदारी अदाकारी से आएगा, इलम का राज तो खुद की समझदारी से पाएगा। स्वयं की प्यास हो जब, स्वयं की खोज हो जब, स्वयं की जब समझदारी हो, अंडरस्टैंडिंग हो इतनी कि ना सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या एक और पूरी दुनिया का साम्राज्य और दूसरी और मोक्ष साम्राज्य, तो दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है। बोले मुक्त रहना, इंडिपेंडेंट रहना, पूर्ण स्वतंत्र रहना, फकीरी में भी आबादी। तो ये तो खुद की समझदारी से आता है, किसी के सिखाने से नहीं आता, कोई नकल कर लेने से नहीं आता। कोई मेरे जैसे कपड़े पहन लेंगे तो थोड़ी मेरे जैसे हो जाएंगे या मैं किसी की तरह कॉपी करने जाऊं तो मैं वो नहीं हो जाऊंगी। हर व्यक्ति यूनिक है दुनिया में, परमात्मा ने सबको अलग बनाया है। तो तात्पर्य ये है कि स्वयं की समझदारी, वो समझदारी से ही इलम आता है, ज्ञान रूप बनते हो आप। बाकी कोई अदाकारी या दिलदारी या तरफदारी से कुछ नहीं हो जाता है। असत्य के पक्ष में हजार लोग खड़े हो जाए और सत्य है ऐसा कहने को सिद्ध करने की कोशिश करे तो एक बार कुछ असत्य में मानने वाले लोग उसको पसंद ही कर लेंगे, हाँ में हाँ भी मिला लेंगे, लेकिन उससे असत्य सत्य नहीं बन जाएगा, अज्ञान कोई ज्ञान नहीं बन जाएगा, अंधकार अंधकार ही रहता है, अंधकार प्रकाश नहीं बन जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत। एक गुरु के पास दो शिष्य पढ़ रहे थे, 14 साल तक पढ़े। 14 साल के बाद विदा लेने का समय आया। गुरु ने दोनों को बुलाया कि अब आपकी एक अंतिम कसौटी, फिर दोनों आप अपने अपने मार्ग पर जा सकते हैं। अंतिम कसौटी आज है, जो कसौटी में पार उतरेगा उसको मैं मेरी सत्ता सौंपूंगा, जो धर्म सत्ता मेरे पास है वो अधिकार दूंगा, और पार नहीं उतरेगा उसको मैं आशीर्वाद देकर आगे कहूंगा कि जाओ आगे, आपको जो काम करना है वो करो। दोनों शिष्यों को बुलाए, बुलाकर पूछा कि आप दोनों में से ज्ञान के पक्ष में कौन है मुझे बताइए। आपने यहां बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे शास्त्र सीखे, बहुत सारी विद्याएं सीखी, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आप दोनों में से ज्ञान के पक्ष में कौन है। तब एक शिष्य ने कहा
कि गुरुजी मैं ज्ञान के पक्ष में हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है बैठो। दूसरे को पूछा कि आप, दूसरे ने कहा गुरुदेव मैं स्वयं ज्ञान हूँ। गुरु ने कहा कि आप मेरी धर्म सत्ता संभालेंगे और दूसरों को जगाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि न दिलदारी तरफदारी अदाकारी से आएगा, इलम का राज तो खुद की समझदारी से पाएगा। बस इस शेर के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। महर्षवरी का नमस्कार।